हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हलीम और आज हम एक लाइव सेशन कर रहे हैं. यू कैन टॉक विद मी, आप मेरे से बात कर सकते हैं फ़ोन पे एंड कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल, जिसमें हम बात करेंगे आज कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को लेके जिनमें जिनकी रेमेडी नहीं है मेडिसिन रिलेटेड. हेलो हेलो, हाँ बोलिए. हाँ बताइए, अपना अपनी प्रॉब्लम बताइए. आपको जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है? नहीं, आज हम फ्यूचर नहीं देख रहे हैं. आज जो हम सेशन कर रहे हैं उसमें है कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ या ऐसी कोई प्रॉब्लम जो मतलब लॉजिकल नहीं है, ऐसा कुछ है कि जो अनयूजुअल है या कोई पास्ट लाइफ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसकी हम बात कर रहे हैं. तो आप ये बताइए कि जॉब रिलेटेड आपको हमेशा से प्रॉब्लम रही है? हमेशा से रही है ना, तो वही बात है कि अगर हमेशा से वो प्रॉब्लम है रिलेटेड टू जॉब, तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ पास्ट लाइफ इशू है, ऐसा कुछ पिछले जन्म का कुछ है कि आपको काम नहीं करने देती है वो, या आपको मनी अर्निंग में भी प्रॉब्लम रहती है बहुत ज्यादा. तो दैट मीन्स कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है. आप आज एक रेमेडी कर सकते हैं, आप एक कॉइन लेंगे, हाँ, और उस कॉइन को आपको मिट्टी में बर्न करना है, ठीक है? उसको दबा दो, हाँ, मतलब बरी कर देंगे. और फिर आप देखेंगे कि नाइट में आपको कैसे ड्रीम्स आ रहे हैं, और अगर वो कंटिन्यू कुछ ऐसा ड्रीम आ रहा है रिलेटेड टू मनी या जॉब को लेके, पैसे को लेके, कुछ ऐसा जो मन में डर है, फोबिया है, तो उसको हम पास्ट लाइफ देखेंगे आपकी. आप एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन करिए, जिससे हमें पता चलेगा कि ऐसा क्या था पिछले जन्म में कि आपको इस लाइफ में आप उस हिसाब से मनी अर्न नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी बार बार जॉब छूट रही है, लग नहीं पा रही है. तो वो इतना यूजुअल नहीं है, क्योंकि अगर एक जॉब छूटती है दूसरी लग रही है तो फिर तो ठीक है कि वो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं थी, अच्छी नहीं थी. मगर अगर बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है. ठीक है, ठीक है. तो आप इस सेशन के बाद मेरे को अपना नाम और फोटोग्राफ व्हाट्सएप करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगी इस दिन के बाद, आज रात के बाद आप मॉर्निंग में देख के मुझे बताएंगे कि क्या रहा, कैसा फील हुआ आपको, ठीक है? फिर हम बात करेंगे, देन आई गाइड यू फिर पास्ट लाइफ से कैसे. हाँ ठीक है, हाँ हाँ, फिर आप देखेंगे कि क्या आपको उसका ड्रीम्स में क्या रहा, ठीक है? देखिए, आज जो हमारी टॉक है वो रिलेटेड टू है पास्ट लाइफ सेशन से हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे हील कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को. क्योंकि जब आप पास्ट देखते हैं पिछले जन्म में, हम जाकर जब हमारी सोल एक ट्रैवल करती है पास्ट लाइफ में जाके, तो कैसे ये जो अनयूजुअल प्रॉब्लम्स हैं ये हील होती हैं. कई बार हमें नहीं पता है कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, या क्यों बार बार रिलेशनशिप टूट रहे हैं, या कई लोग 3-4 मैरिज करते हैं तो हर बार क्यों टूट रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है जो आम नहीं है. तो इसके लिए हम पास्ट लाइफ थेरेपी बहुत यूजफुल है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, ताकि आपकी इस लाइफ में, फ्यूचर में या नेक्स्ट लाइफ में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. क्योंकि सोल के लिए एक जर्नी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस लाइफ के फ्यूचर को देख रहे हो या नेक्स्ट लाइफ को देख रहे हो, उसके लिए एक जर्नी है टोटल. वो पास्ट से भी एक जर्नी की तरह चल रहा है. तो आप अपनी प्रॉब्लम मेरे से शेयर कीजिए, मुझे कॉल कीजिए अभी इसी वक्त लाइव, तो हम देख लेंगे कि इसको हम पास्ट लाइफ में यूज कर सकते हैं या नहीं. क्योंकि कई लोग वैसे ही देखना चाहते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे, बट फिर भी जब वो जनरली भी देखते हैं तो भी उनके सामने एक ऐसा इशू निकल के आता है जो उनको परेशान कर रहा था इस लाइफ में. कई बार किसी को कोई फोबिया है, कोई फियर है, उनको भी देख सकते हैं. हेलो हेलो, या बताइए. मुझे मेरा क्वेश्चन
क्योंकि आज टैरो सेशन नहीं है, टैरो सेशन जब मेरा होता है तो मैं फ्यूचर देखती हूँ. आज आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, मेरे से कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहते हैं, मगर मन में ये है कि पास्ट लाइफ से क्या होगा या मतलब जब हम देखेंगे तो क्या पता हम बाहर आ पाएंगे कि नहीं इस लाइफ में, मतलब ऐसे कुछ क्वेरीज हैं. आज हीलिंग सेशन है, हीलिंग की बात करेंगे हम. हाँ तो आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम है इसी, मतलब मैरिज से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है. आप बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें. तो आपके मन में कुछ कुछ इमेज है कि कैसा चाहिए आपको. अच्छा आपकी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप इश्यूज रहे हैं पास्ट में. देखिए अगर पास्ट में रिलेशनशिप्स ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे या बार बार रिलेशन टूटे, ऐसा नहीं कि कोई भी रिलेशन किसी के साथ भी, चाहे वो आपके बॉस के साथ हो, चाहे वो आपके कस्टमर्स के साथ हो, कलीग्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, किसी के साथ भी हो, अगर वो बार बार टूटे हैं, बार बार उनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है कि बिना मतलब के हमेशा के लिए कनेक्शन टूट गया है, तो उसके लिए हम एक अगर पास्ट लाइफ सेशन आप करते हो, आप देखते हो पास्ट लाइफ अपनी, तो मे बी मैरिज के बाद आपको वापस से उस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरना पड़ेगा. है ना, अगर आपको लगता है, आज आप देखेंगे, नोट करेंगे, अगर आप आज मेडिटेशन में बैठ के 10 मिनट्स भी पास्ट देखेंगे रिलेटेड टू जस्ट रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, तो आप देखेंगे कि बार बार अगर टूटे हैं बिना बात के, तो उनको आप हील करेंगे आगे के लिए, फ्यूचर के लिए. तो आज हम बात कर रहे हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, क्योंकि किसी को ज्यादा नॉलेज नहीं है. ये लगता है कि अगर हम पास्ट लाइफ करवाते हैं तो इसके लिए देखा जाता है कि हम क्या थे, वो नहीं है. इट्स अ थेरेपी, वो एक सेशन है जिससे हम आगे को हील कर सकते हैं, फ्यूचर को. ठीक है, तो आप मेरे से बात करिए आफ्टर द सेशन या टुमारो मॉर्निंग. पहले एक बार आप देखो, एनालाइज करो क्या क्या प्रॉब्लम्स चली हैं, एंड फिर हम इस चीज के लिए हीलिंग करेंगे, तो मैरिज भी आपकी जल्दी हो जाएगी जिसको आप ढूंढ रहे हो, और उसके बाद वो रिलेशनशिप इश्यूज कंटिन्यू नहीं होंगे. ठीक है, ओके. तो आज एक टैरो सेशन नहीं है, आज हम बात कर रहे हैं हीलिंग की, रिग्रेशन की. रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन का मतलब ये है कि अगर आप पास्ट देखते हो, अपने पीछे जन्म में जाते हो, तो उसमें कोई ऐसी चीज थी, आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे थे, या आपने किसी के साथ गलत किया है, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमने उस ब्रेन से उस चीज को निकाल दिया, जो भी इशू है. अगर हमने किसी के साथ कुछ गलत किया, तो इस लाइफ में आपको हमेशा गिल्ट रहेगा अपने मन में, आप अपने आप को पनिश करोगे किसी भी फॉर्म में. तो आप अपने आप को किसी भी फॉर्म में पनिश करोगे कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम पनिश कर रहे हैं अपने आप को बिना किसी रीजन के. आप डिप्रेस्ड हो, आप सैड फील कर रहे हो. हेलो, यस, ओके, आर यू मैरिड? हां, या आई एम मैरिड. ओके, तो बताइए. तो आप क्या चाहते हो अभी? आप अलग होना चाहते हो या आई वांट की रिलेशनशिप ठीक हो जाए? आप मेरे को अपने हस्बैंड का नाम बताइए. क्या क्या बताऊं मैं? हस्बैंड का नाम क्या है? ठीक है, मैं देख पा रही हूँ. तो आप, मैंने अभी जो पास्ट लाइफ थेरेपी के जो कार्ड्स खोले हैं उसमें अगर मैं देख पा रही हूँ, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है पास्ट लाइफ रिलेटेड. मतलब ऐसा रहा कि शुरू से ही वो कनेक्शन फॉर्म नहीं रहा आप दोनों के बीच? ठीक है,
मैंने अगर उनके पास्ट लाइफ कार्ड्स देखे हैं तो इसमें यही आ रहा है कि कनेक्शन नहीं है, पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, पास्ट लाइफ से रिलेटेड इस लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर आप चाहते हो कि आप देखना कि ऐसा क्या था उस जन्म में या क्या आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ जो इस लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मतलब शादी होने के बाद भी आप कनेक्शन फॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक सेशन में देख सकते हो पास्ट, और इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग सेशन जिसमें आप देख पाओगे कि पास्ट में क्या हुआ और हम उसको ठीक कर देते हैं, ब्रेन में प्रोग्रामिंग कर देते हैं। पास्ट में थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। आपको एक सेशन लेना होगा पास्ट लाइफ, हम आपको मैं पास्ट लाइफ में लेके जाऊंगी, दैट्स अ सेशन। तो उसमें हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आई, कहाँ से ओरिजिन हुई, किस लाइफ से आई है। हम उसको देख लेंगे तो वो क्योर हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम हमारे माइंड से निकल जाएगी। वो आप मेरे से सेशन के बाद बात करिए, ठीक है। तो आज का एक टॉक सेशन है, आप सिर्फ मेरे से बात कर सकते हैं, आज मैं फ्यूचर नहीं बताऊंगी आपको, हम सिर्फ क्वेरीज हैंडल करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और उसको हम पास्ट लाइफ से कैसे ठीक कर सकते हैं। बिकॉज हीलिंग्स के बारे में सबको पता है, टैरो कार्ड्स पता है कि टैरो से हम फ्यूचर देख सकते हैं, सिग्नेचर रीडिंग से भी हम बहुत सारी चीज़ें हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं जब आपके साइन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कोई ब्लॉकेज है। बाकी हमारे घर में अगर नेगेटिविटी है उसको ठीक करके भी बहुत प्रॉब्लम्स ठीक होती है, बट पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप रिग्रेस कर देते हो, आप ठीक कर देते हो, आप अपने ब्रेन से वो चीज़ को निकाल देते हैं। तो जब आपके ब्रेन ने वो प्रॉब्लम, वो मेमोरी बाहर निकाल दी, तो वो चीज़ अपने आप हील हो जाती है, वो सिचुएशन अपने आप हील हो जाती है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी सोल के लिए, बिकॉज वो सोल की जर्नी है। हम अपनी बॉडी के लिए बहुत कुछ करते हैं, हम अपनी एक्सटर्नल बॉडी के लिए करते हैं, बट इंटरनल बॉडी के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो सोल की एक जर्नी है। सोल हम अगर अपसेट हैं, सैड हैं, तो हम घूमने चले जाएंगे, या आप तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, बट इट्स ऑल आउटर एनर्जीज, आप आउटर एनर्जीज को ठीक कर रहे हैं। बट व्हेन सोल इज डिस्टर्ब्ड, तो उनके लिए क्या करेंगे, तो उसको जब हम पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं सोल को, तो उस वक्त उसने जो महसूस किया, जो टाइम स्पेंड किया है, जो लाइफ जी है, उसको ठीक करा जाता है थ्रू पास्ट लाइफ इस लाइफ में, और इस लाइफ से नेक्स्ट लाइफ में भी उसकी जर्नी वही रहेगी। अगर हम उसको नहीं निकालते हैं माइंड से, तो नेक्स्ट लाइफ में भी सेम प्रॉब्लम आपकी कंटिन्यू हो सकती है, अगर वो माइंड से नहीं निकली है सोल के। तो बेस्ट है कि आप जानिए कि किस चीज़ से हम क्या ठीक कर सकते हैं। हम मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, सब कुछ आउटर एनर्जीज हैं, आउटर बॉडी के लिए है। आप योगा क्यों करते हो, ताकि आप फिट दिखो, आप अच्छे दिखो, तो ये हमारी आउटर बॉडी है, आउटर एनर्जीज है। तो इनर सोल, उसको अगर वो डिस्टर्ब्ड है, उसको ठीक करने का यही तरीका है कि आप पास्ट में जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड के साथ हम वर्क करेंगे। कॉन्शियस माइंड तो है कि इस लाइफ में जो जो हुआ हमें पता है कि हमारे साथ ऐसा चल रहा है, ये प्रॉब्लम चल रही है, बट पास्ट का हमें नहीं पता। पास्ट लाइफ में हम जब जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड के साथ वर्क करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड वहाँ जाता है, वो प्रॉब्लम को याद करता है, और जब भी आपने वो प्रॉब्लम को याद किया, उसको देखा, तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो ब्रेन से निकल गई जो स्टक है एट बैक ऑफ द माइंड। और जब हमने उसको रिग्रेस कर दिया, उसको माफ़ कर दिया याद करके, या उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर दिया, तो वो चीज़ हील हो जाती है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, एंड ऑफकोर्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी आर लाइफ की वो इसके साथ हमारा पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन था। कभी कभी आप बहुत कनेक्टेड फील करते हो किसी के साथ, या किसी के साथ आपको बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता है, कि या कई बार ऐसा फील होता है किसी को कि उनको मतलब किसी के साथ बात करना अच्छा नहीं लग रहा है, किसी के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इट्स ऑल पास्ट, क्योंकि आपने उसके साथ इस जन्म में तो कोई ऐसा बुरा टाइम नहीं देखा है कि आपको वो पर्सन पसंद नहीं है, बट वो पास्ट लाइफ है। आप कभी किसी एरिया में जाते हो, किसी के घर जाते हो,
वहाँ पे आपको एनर्जीज अच्छी फील नहीं होती है, या वो पर्सन आपको अच्छा नहीं लगता, या आप बहुत इरिटेटेड फील करते हो अगर किसी को गुस्सा है बहुत ज़्यादा बिना किसी बात पे। कई बार तो ये होता है कि किसी भी बात को लेके इरिटेशन हो जाती है, या आप बहुत पैनिक फील करते हो, या फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो वो चीज़ें हमारे पास्ट से आ रही हैं। तो आप मेरे से अपनी ऐसी इश्यूज को पूछिए आज जो अनयूजुअल है, या कोई बहुत बैड रिलेशनशिप्स हैं, या कोई फियर है, कोई फोबिया है। फियर इतना भी देखा गया है, जैसे किसी को अंधेरे से डर लगता है तो वो अंधेरे में कभी सो भी नहीं पाएंगे और वो डार्क में जा भी नहीं पाएंगे। तो वो क्या है जो दूसरा पर्सन है उसको लगेगा कि ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, अंधेरे से कैसे किसी को डर लग सकता है इतना कि वो फेंट हो जाए। मगर जिनको फोबिया है उनको इतना ज़्यादा डर लगेगा, जिनको किसी इंसेक्ट से फोबिया है या हाइट से फोबिया है। फोबिया और फियर दोनों में बहुत फ़र्क है। फियर तो ये कि हम सबको डर लगता है, हम सबको हाइट से डर लगता है, बट फोबिया जब वो उस चीज़ को देखते ही वो बेहोश हो जाएंगे या उनका सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, पास्ट एनर्जीज़ की। तो क्यों ये हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अभी जो मेरे को मैसेज कर रहे हैं वो प्लीज़ आप मुझको फ़ोन पे पूछिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, तो मैं पास्ट लाइफ कार्ड्स के थ्रू आपको देख के बताऊंगी कि क्या ये इशू कार्मिक है, क्या ये इशू पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। बिकॉज कर्मास आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके कुछ पास्ट कर्मास हैं और उनको हमने हील नहीं किया इस लाइफ में, तो वो कंटिन्यू होते रहेंगे जब तक वो पूरा कार्मिक इशू ख़त्म नहीं हो जाता। मैं आपको बताती हूँ कि कार्मिक पॉइंट्स हैं यहाँ पे, आपके शोल्डर्स पे कार्मिक पॉइंट्स होते हैं। तो अगर हमारे को कुछ कार्मिक इशू है तो उनको यहाँ पेन रहेगा, यहाँ हैवीनेस रहेगी। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं या हम दीक्षा देते हैं तो हम ये कार्मिक पॉइंट्स को रिलीज करते हैं, इनको ओपन करके यहाँ से हम कर्मास बाहर निकाल देते हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम हील कर सकते हैं अपनी सोल को, सोल हीलिंग बोला जाता है। अभी तक हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जिम जाते हैं, ये सब आउटर बॉडी के लिए। तो इनर बॉडी के लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसे उन पे वर्क कर सकते हैं, कैसे हम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना कॉन्शियसली नहीं कर सकते हैं, वो आपको सबकॉन्शियस में ही करना पड़ेगा। तो जब हम रिग्रेशन करते हैं तो दैट्स अ ड्रीम स्टेट, एक मेडिटेटिव स्टेट होती है, एक ऐसा लेवल होता है जिसमें हम जाग रहे हैं। जब आप उठोगे तो आपको सब कुछ याद है कि हमने क्या देखा था। तो एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस, इसमें हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम वापस नहीं आएंगे इस लाइफ में, या क्या पता हम क्या देख लेंगे। अगर आप देख रहे हो तो उसको हमें हील करना है, जो प्रॉब्लम देखी। समटाइम्स ऐसा देखा गया है, अभी मेरे पास रिसेंट एक क्लाइंट थे, उसके एक बर्थ मार्क है स्टमक पे। तो उसने इस चीज़ के लिए जब पास्ट लाइफ देखी अपनी कि ये बर्थ मार्क है, और उसको वहाँ पे हमेशा पेन फील होता है जबकि वो बर्थ मार्क है, कोई चोट नहीं लगी, तो क्यों हुआ ये? तो जब देखा गया, दैट वाज अ लॉन्ग स्टोरी, जब देखा तो उसकी उसको लाइफ में पानी से डर लगता है, तो उसकी जो पास्ट लाइफ थी उसमें उसने देखा कि उसको चाकू से किसी ने मारा था एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे, और उसकी डेथ पानी में हुई, पानी में फेंक दिया गया था। तो इसीलिए उसको पानी से फोबिया है, डर लगता है, और उस पॉइंट पे बर्थ मार्क है क्योंकि वो डेथ वहाँ पे हुई है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं, बहुत सारे फियर है, फोबिया है, कोई पर्सन है जिसके साथ अटैचमेंट नहीं हो रहा है, तो क्यों ऐसा है कि आप साथ रह रहे हो बट अटैचमेंट नहीं है, तो हम वो पास्ट लाइफ से हील कर सकते हैं देख के। तो जब उसने देखा, रिग्रेस कर दिया और ब्रेन से निकाल दिया, देख लिया कि पानी में हुई है, तो उसको पानी से डर धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। ऐसे स्नेक फोबियाज देखे गए हैं, स्नेक रिलेटेड ऐसा कई बार देखा गया है पास्ट लाइफ में कि स्नेक को मारा था, या कई सारे इश्यूज हैं, क्योंकि सबके अलग हो सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि इट्स सेम फॉर एवरीवन। सबकी जर्नी अलग है, सबकी स्टोरी अलग है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन
एक फॉर्म ऑफ हीलिंग है जिससे हीलिंग होती है एंड बहुत फास्ट हीलिंग होती है. तो जिनको भी लगता है कुछ भी ऐसा चल रहा है उनकी लाइफ में अनयूजुअल, तो वो आफ्टर द सेशन मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन सेम नंबर और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, या कोई फियर, फोबिया, डिप्रेशन, एंगर, जो भी कुछ है हम उसको इससे ठीक कर सकते हैं इंस्टेंट. एंड जनरली पास्ट लाइफ सेशंस 2-3 सेशन चलते हैं, मगर हम एक सेशन में एक लाइफ देख लेते हैं अगर हमारा ब्रेन रेडी है. अगर आप रेडी हो तो आप ज़रूर देख पाओगे अपनी पास्ट लाइफ. और बहुत सारी लाइफ देखी है कई स्टूडेंट्स ने. एक मेरी एक क्लाइंट थी, उसको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी प्लांट्स के साथ, ट्रीज़ के साथ. तो जब भी किसी पेड़ को वो कटते हुए देख रही है तो उसकी आइज़ में टीयर्स, शी कुड फील द टीयर्स इन हर आइज. तो वो क्यों था? क्योंकि उसने जब पास्ट लाइफ देखी अपनी तो अपने आप को ट्री के फॉर्म में देखा. बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप हमेशा अपने आप को एक ह्यूमन फॉर्म में देखो. ट्री के फॉर्म में देखा है, नॉन लिविंग फॉर्म में भी देखा है. तो शी इज़ जस्ट सीइंग कि वो पेड़ को काट रहे हैं, तो वो शी कुड फील द पेन जब भी वो पेड़ कटते हुए दिख रही है. तो शी ऑलवेज यूज टू हग द ट्रीज, और पेड़ों के नीचे बैठना बहुत पसंद था क्योंकि वो कनेक्शन था पास्ट लाइफ का. बट वो उसके लिए एक प्रॉब्लम बन गया था इस लाइफ में, क्योंकि वो जब भी पेड़ कटते हुए देख रही है तो उसको रोना आ रहा है, या वो बहुत इमोशनल फील कर रही है, डिप्रेस्ड फील कर रही है. तो वो एक जो इमोशन है वो इस लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो मेंटली स्ट्रेस लेके आ रहा है. तो इस चीज़ को हटाया जा सकता है. जब हमने रिग्रेशन किया एंड हमने वो मेमोरी उसके माइंड से डिलीट कर दी और फीडिंग कर दी, पॉजिटिव फीड कर दी, तो वो चीज़ें ठीक हो गई धीरे धीरे. अभी भी कनेक्शन इज़ देयर बिकॉज शी नो कि मैं पास्ट लाइफ में एक ट्री में भी थी. तो वो चीज़ ठीक हो गई, हील हो गई. अब उसको इमोशनली वो ड्रेन आउट नहीं हो जाती है, या वो बहुत सैड फील नहीं कर रही है. तो हर चीज़ हमें अच्छा भी देती है और बुरा भी देती है. तो हमें नेगेटिव नहीं लेना है, चाहे वो पास्ट से आ रहा है, चाहे वो हमारी इसी लाइफ से आ रहा है. हम सेम एज में भी रिग्रेशन करते हैं, चाइल्ड रिग्रेशन करते हैं, इनर चाइल्ड. जैसे मन में कुछ बचपन में ऐसी कोई बात रही है जो आपको आपके माइंड में आ गई है, जो आपको हर्ट कर रही है, या वो हम रिग्रेशन करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि हमारे जो जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तब से हमारे को प्रॉब्लम फील हो रही है. तो वोम रिग्रेशन से भी हम बहुत कुछ हील करते हैं. तो जैसे आप मुझे प्रॉब्लम बताएंगे तो आई कैन सजेस्ट यू कि हम कैसे देख सकते हैं इसको, कैसे इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं. बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे इशू हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मुझे, सबके अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं. बट यू कैन शेयर ऑन फोन ऑल्सो, अपनी आप प्रॉब्लम फ़ोन पे भी शेयर कर सकते हैं. तो मैसेज में तो कंटिन्यू बता ही रहे हैं सब. तो आप अपनी नाम और डिटेल्स आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे. प्रॉब्लम, एनी फियर, एनी फोबिया, एनी फैक्टर जो अनयूजुअल है, जो आपको किसी को बताने में आप हेजिटेट करते हैं कि अगर मैं ये बताऊँगा तो सोचेंगे कि ये तो पागल है, ये क्या प्रॉब्लम हुई. बट जिसको वो प्रॉब्लम है उसके लिए वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तो वो हमें कट करनी है, उसको हमारे को ब्रेन से निकालना है. सो यू कैन आस्क मी एनी थिंग रिलेटेड टू पास्ट लाइफ सेशन. और दैट्स अ रिग्रेशन. हम ब्रेन को एक जर्नी की तरह उसको लेके जाते हैं और उसको हम अपने माइंड से निकाल देते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. विल डू अ टैरो सेशन. एंड जो मेरे आजकल जो सीरीज चल रही है आप उसको ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम अफर्मेशन के साथ डिजीज़, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक कर रहे हैं जो इमोशंस के साथ स्टक है. जैसे किसी को कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई ऐसी कोई बीमारी है जो इमोशनली अटैच्ड है, इमोशन एंड डिजीज़ दोनों एक साथ हैं, तो उसको अगर आप इमोशन को बाहर निकाल दोगे तो वो आपकी डिजीज़ 100% अपने आप ठीक हो जाएगी विदाउट एनी मेडिसिन या मेडिटेशन. आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अफर्मेशन के साथ उसको ठीक करना है. तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे टैरो कार्ड की. टैरो कार्ड से आप फ्यूचर पूछ सकते हैं, बिकॉज सबको बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, इंटरेस्ट रहता है कि हमें अपना फ्यूचर देखना है.
मगर मैं हमेशा सबको यही कहती हूँ कि आपको देखने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको हील करना है. तो माई व्हाट्सएप नंबर इज सेम 9634274722. एंड मेरे नेक्स्ट शो में हम मिलेंगे बहुत जल्दी. और आपको जिसको भी अपनी पास्ट लाइफ देखनी है, मे बी इस डर से नहीं कि हम क्या देखेंगे या क्या बाहर आएगा या क्या सामने पास्ट लाइफ में कुछ किसी के साथ किया था वो हमें याद आ जाएगा तो हम अपसेट फील करेंगे, ऐसा नहीं है. जब आप उसको देख लेंगे तो वो हील हो जाएगी चीज़, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी. किसी को लो कॉन्फिडेंस है, इतना लो कॉन्फिडेंस है कि वो बात भी नहीं कर सकते, तो ये यूजुअल नहीं है, दैट्स अनयूजुअल थिंग. तो उसके लिए हम करेंगे. या किसी को कोई आवाज़ सुन के बहुत गुस्सा आने लगता है, या कोई कलर देख के गुस्सा आने लगता है, कोई कलर है जो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये सब चीज़ें पास्ट लाइफ से. जिसको रेड देख के, मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट्स हैं रेड कलर देख के उनका बीपी हाई हो जाता है बहुत, या जैसे ही वो ब्लड देखते हैं तो उनको चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें अनयूजुअल हैं. तो ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है हमारी. तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब आप देखेंगे एक जर्नी है, और बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. जब आप उठते हैं तो आपको सब कुछ याद होता है कि आपने क्या देखा, क्या बोला और क्या रहा सीन. तो इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस मैं कहूँगी. तो सबको एक बार अपनी एक सेशन करवाना चाहिए. एक जर्नी है जो आपको देखनी चाहिए कि क्या था पास्ट लाइफ में हमारी. तो नेक्स्ट काफ़ी कॉल्स थी जो आई थिंक कनेक्ट नहीं हो पाई, तो मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कंटिन्यू. तो जो भी पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू एनीथिंग वो मेरे से पूछ सकते हैं. तो एक और कॉल है उसको लेते हैं, एंड देन हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे विद टैरो कार्ड रीडिंग. सबको जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि क्या हुआ, मगर मैं वही बोल रही हूँ कि हीलिंग इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट. जानने से ज़्यादा उसको ठीक करना इम्पॉर्टेंट है. तो आप ऐसा करिए कि कुछ भी ऐसा करिए जिससे आपकी हीलिंग हो. और ब्रेन की हीलिंग हम सिर्फ पास्ट लाइफ से कर सकते हैं, हम इनर बॉडी की हीलिंग कर सकते हैं, हम चक्रास की हीलिंग कर सकते हैं. व्हेन चक्रास आर ब्लॉक्ड तो हम चक्र मेडिटेशन करके हीलिंग कर सकते हैं. मगर जब ब्रेन में कुछ फीड हुआ हुआ है पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो हमें नहीं पता. अच्छा, कई बार ऐसा सुनने में आया है कि कोई बच्चा है जिसको अपना पास्ट लाइफ पूर्व जन्म याद है, उसको उसने देखा हुआ है, उसको सब कुछ याद है कि उसका क्या नाम था, क्या एड्रेस था, कहाँ पर घर था. तो वो क्या है, वो एक पास्ट लाइफ जर्नी है जिसमें सब कुछ याद है ब्रेन को, क्योंकि उसने रिसेंट देखा है. उसने अभी जस्ट इस जन्म में आने से पहले इस लाइफ में रिसेंट पास्ट देखा है. बट जब हमें कुछ याद नहीं है, दैट मीन्स कि हमने कोई और लाइफ देखी हो सकती है, कोई भी लाइफ, तो हम इस लाइफ की हीलिंग करते हैं अपनी पास्ट लाइफ में जाकर. और जो प्रॉब्लम है उसको ज़रूरी नहीं कि जस्ट रिसेंट पास्ट में प्रॉब्लम है, एनी लाइफ, कोई भी ईयर हो सकता है. एंड इट्स वेरी अमेजिंग जब आप अपने आप को देखते हो कि आपको क्या इंटरेस्ट है, आपकी क्या हॉबी, आपको क्या पसंद है या क्या नापसंद है. तो वो हम देखते हैं कि पास्ट लाइफ के साथ हमारा उसका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. मेरी एक क्लाइंट थी, उसको क्रिश्चियन मैथोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, उसको ड्रेस में या चर्च में जाना और हर चीज़ में उसको ऐसा लगता था कि शी इज़ लाइक लिविंग लाइक अ क्रिश्चियन, बट शी वॉज फ्रॉम अ हिंदू फैमिली. तो जब हमने पास्ट लाइफ देखी तो प्रॉब्लम कोई और थी, बट उसमें जब देखा द ड्रेस सेंस और जैसे वो रहती थी लिविंग स्टाइल, शी वॉज अ क्रिश्चियन. तो उससे हमें बहुत समझ में भी आता है कि इस लाइफ में हम जैसे रहते हैं, हमें जो पसंद है, जो नापसंद है, हमारी हॉबीज, हमारे इंटरेस्ट, वो सब हमने पास्ट लाइफ में जिए हैं. तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से डरना नहीं है. हम पास्ट में अगर जा रहे हैं तो एक जर्नी है जो बहुत ब्यूटीफुल है. और अगर कुछ ऐसा भी आता है निकल के कि जो बहुत आपको डर पैदा कर रहा है उस वक्त रिग्रेशन में, आप रो भी रहे हैं या आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, तो उसको हम ब्रेन से निकाल देंगे. तो वो प्रॉब्लम आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी, ना इस लाइफ में ना आगे जाके, क्योंकि वो इशू हमने निकाल दिया है. जब हम सर्जरी कराते हैं तो जो पार्ट
हमें परेशान कर रहा है उसको हम हील करते हैं, और नहीं होता है तो उसको हम निकाल देते हैं, तो वो आपको उसके बाद पेन नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। तो ये जर्नी है, लाइफ की जर्नी है, हमारी सोल की जर्नी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, एंड जो मेरा सीरीज है हेल्थ डिजीज एंड इमोशंस एंड हाउ टू हील देम विद अफर्मेशंस, वो आप देखिए, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, टाइप डॉक्टर हरलीन कौर, उसको सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, और उसको आप रेगुलर शोज देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू फ्रेंड्स।